करनाल के निसिंग के अंतर्गत आने वाले कई गांव के सरपंच ग्रामीणों सहित खंड चेयरमैन करनाल के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। इस दौरान चिड़ाव गांव में स्थित खंड कार्यालय को स्थानांतरित करने की चल रही प्रक्रिया का विरोध जताया गया। बाद में उपायुक्त करनाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ग्रामीणों ने कहा कि नीलोखेड़ी हल्का विधायक धर्मपाल गोंदर द्वारा खंड कार्यालय निसिंग जो चिड़ाव गांव के पास स्थित है को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसका सभी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिड़ाव मोड़ पर ग्राम पंचायत चुनाव की 4 एकड़ जमीन पर यह कार्यालय बना हुआ है और ग्राम पंचायत चुनाव इसका कोई भी किराया नहीं लेती है। कार्यालय भवन भी नया बना हुआ है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आई हुई है। ये खंड कार्यालय लगभग 50 सालों से इसी स्थान पर चल रहा है। कोई भी ग्राम पंचायत ये नहीं चाहती कि ये कार्यालय निसिंग क्षेत्र में स्थानांतरित हो। उन्होंने बताया कि चिड़ाव मोड़ पर स्थित कार्यालय निसिंग रोड और असंध रोड पर स्थित है, जो कैथल तथा असंध रोड से सीधा जुड़ा है तथा इस स्थान का सीधा जुड़ाव करनाल सचिवालय से भी है, जिससे उपायुक्त अपना नियंत्रण व प्रशिक्षण कर सकते हैं। आम जनता भी अपनी समस्या के बारे में सचिवालय में शीघ्र पहुंचकर निदान करवाती है। सचिवालय भवन में पंचायत समिति कार्यालय, आंगनवाड़ी कार्यालय, खंड कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, मत्स्य विभाग कार्यालय, कृषि उपनिदेशक की शाखा आदि दफ्तर एक दूसरे के सहयोग से आम जनता की समस्या का समाधान करते हैं। आपको बता दें कि पिछले समय में रह रहे विधायक द्वारा कई बार इसे स्थानांतरित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध पर इसे स्थानांतरित नहीं किया गया। मैं एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं और मैं निसिंग ब्लॉक का चेयरमैन होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि लोगों को जो 25 गांव हैं इधर के, तो वंचित होने जा रहे हैं, क्योंकि निसिंग ब्लॉक जो निसिंग एट चिड़ाव के नाम से एक कॉमन पॉइंट पर है और यहां पर उसके हिसाब से हमारा जैसे उपायुक्त महोदया का जो सचिवालय ये भी नज़दीक पड़ता है, डीसी साहब के जो काम होते हैं लोगों को समय बचता है उनका, और वो वहाँ के काम ब्लॉक के काम करने के बाद यहाँ सीधा करनाल के अपने डीसी दफ्तर के, तहसीलदार महोदया के, एसडीएम साहब महोदया के और डीआरओ महोदया के, ये सभी काम अपने निपटा लेते हैं आसानी से। और लेकिन अगर निसिंग में चले जाइए, 50 वर्षों से यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट में चिड़ाव ग्राम पंचायत ने कम से कम 13-14 करोड़ की ज़मीन दी हुई है, तो ये वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर बनाना है तो अनिश सिंह के नाम से बनाए अच्छे, चलो ठीक है, उनको उन लोगों को सुविधा देनी है तो दो, लेकिन इन लोगों को वंचित तो ना करें। पिंगली, डबरी, बड़ोता, घोगड़ी पर ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? और यहाँ से जुड़ला इतना बड़ा गांव है, जुड़ला चिड़ाओ के नाम से इस निसिंग ब्लॉक को जुड़ला चिड़ाओ के नाम से इसी बिल्डिंग में स्थापित कर दें। कौन लेके जा रहा है? अभी हमारे संज्ञान में आया कि वहाँ हमारे जो नीलोखेड़ी के विधायक हैं धर्मपाल जी, ये इसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पर निसिंग में, इसलिए अब वो कहते हैं अभी ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों का भी तो हक है, इधर भी तो 22-24 गाँव पड़ते हैं, ये लोग यहाँ से करनाल के पास से निसिंग जाकर और फिर करनाल के काम कैसे निपटा पाएंगे? और वहाँ के लोग वहाँ से आने के बाद तो यहाँ के भी निपटा जाते हैं, उनको तो बड़ी आसानी है, कॉमन पॉइंट पे है, तो कैथल रोड को जोड़ता है और इधर NH 709 को जोड़ता है जो सन से जींद गया हुआ है करनाल से, तो ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है और बढ़िया जगह है और पार्किंग की सुविधा है, सारे कार्यालय वहाँ पर है, CDPO कार्यालय, आंगनबाड़ी का, मत्स्य विभाग है, बैंक है और SDO साहब बैठते हैं सभी, मतलब बहुत अच्छा। आज कहाँ पर आए हैं आप, क्या कर रहे हैं? अभी हम DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, DC साहब आज यहाँ मौके पर है नहीं और CTM महोदया जी मतलब वो छुट्टी गए हुए हैं और SDM साहब चंडीगढ़, हम DRO साहब को देंगे और DRO साहब फिर अपना उपायुक्त महोदया को सौंप देंगे। अगर फिर भी आपकी कहीं बात नहीं बनती तो फिर हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम वहां पर एक जन याचिका लगाएंगे और लोगों के साथ मिल करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कादिया, निसिंग ब्लॉक चेयरमैन। ये जो हमारा चिड़ाव मोड़ पर ब्लॉक है, खंड कार्यालय, हम इसके विषय में यहाँ DC साहब से मिलने आए थे, ज्ञापन देना था। अब ये हमारे धर्मपाल गोंदर जी जो नीलोखेड़ी के विधायक हैं, ये इसको निसिंग ले जाना चाहते हैं, जबकि निसिंग में ना ही कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई जगह है। ये यहाँ पर 1972 से यहीं पर बना हुआ है, जिसमें हमारी ग्राम पंचायत चिड़ाव की पंचायत ने ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को दी हुई है और 15 करोड़ रुपये कम से कम इसके ऊपर लगे हुए हैं, जबकि वहाँ पर ये कोई किराए के में मंडी में कोई जगह जुगह देख रखी, उसके अंदर चलाने की कोशिश कर रहे ये, जबकि हमारे 25-30 गांव के साथ तो एक ज्यादती होगी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, DC साहब से भी यही निवेदन है कि अगर आपको
निसंग को चाहे जिला बना दो, लेकिन हमारा खंड कार्यालय चिड़ाव मोड़ पर स्थित रहना चाहिए। तो कौन लेके जाना चाहते हैं इसको? ये तो धर्मपाल गोंदर जी ले जाना चाहते हैं। जब भी कोई नीलोखेड़ी का विधायक बनता है तो इसको एक बार ले जाने की कोशिश जरूर करता है, चाहे उसमें सफल हो ना हो वो आगे मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। आज आप कहाँ आए? आज हम डीसी साहब को मिलने आए थे, वो बैठे नहीं हैं, और डीआरओ साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं रणधीर सिंह, एक्स सरपंच अथलाना, जुंडला मंडल महामंत्री भाजपा। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।